सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कार्तिक मास पवित्र मास है और इस कार्तिक मास में विशेषकर 10 तारीख से लेके 14-15 तारीख तक उत्सव ही उत्सव हैं, जिसमें एक से एक ऐसा योग, ऐसा प्रबल संयोग बन रहा है जिसके कारण हम और आप सभी अपने जीवन भर के तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको हम लोग पितृदोष इत्यादि से भी मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा ही एक विशेष 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 समय आ रहा है, सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या पर विशेष सौभाग्य बनने जा रहा है, बहुत सुंदर योग बनने जा रहे हैं। सौभाग्य प्रदान करने वाला यह समय सौभाग्य योग और सुख समृद्धि वाला शोभन योग भी बन रहा है। सोमवती अमावस्या के दिन इस शुभ योग का बनना बहुत दुर्लभ माना जा रहा है। सौभाग्य योग सुबह से लेकर दोपहर 3:03 तक रहेगा, फिर शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा और जो पूरे दिन रहने वाला है। सोमवती अमावस्या के दिन आप दिन में 11 बजे से दोपहर 2:30 तक पित्र दोष के उपाय भी कर सकते हैं। इस दिन आप देखिए, ध्यान से सुनिए, सोमवती अमावस्या, इसका बहुत फल मिलने वाला है। आप जो सोच नहीं सकते उतने फल इसमें मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, कईयों के पित्र दोष जब लगता है, कईयों के पित्र रुष्ट होते हैं, तो बहुत सारी क्रियाएं अच्छी अच्छी करने के बावजूद भी हमारे जीवन में कुछ भी शुभ नहीं होता, अशुभ ही होता चला जाता है, जिसके कारण मनुष्य दुख पाता है। तो अपने पित्र दोष से मुक्ति पाने के लिए भी हम लोग 11 बजे से 2:30 तक के बीच में 13 तारीख को पितृदोष से उपाय कर सकते हैं। उससे मुक्ति पाने के लिए आप स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, अन्नदान, ब्राह्मणों को भोजन, पंचबलि कर्म आदि कर सकते हैं, इससे पितर प्रसन्न होंगे। इसके अलावा पितृदोष से मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध भी इस दिन कर सकते हैं, जो कि बहुत शुभ माना गया है। एक और बात बता दें, सोमवती अमावस्या, अमावस्या के दिन अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, ये 3 दिन बहुत विशेष होते हैं। और कार्तिक मास का तो फिर कहना ही क्या है, इसमें भी सोमवती अमावस्या मिल जाए तो फिर तो वाह वाह आनंद ही आ जाता है। इस दिन स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व है। शिव पार्वती की पूजा की जाती है इस दिन। सुहागिन माताएं बहन व्रत रखती हैं, माँ पार्वती का पूजन करती हैं, शिव जी का पूजन करती हैं, अपने पति पुत्र के सौभाग्य, उनकी दीर्घायु और सक्सेस के लिए उनसे वरदान मांगती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए, सुख संपत्ति के जीवन दायित्व, दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, इसके लिए उनसे प्रार्थना करती हैं। माँ भगवती, माँ पार्वती, बाबा भोलेनाथ, ये उसकी इच्छा, उनकी इच्छा को पूरी भी करते हैं। अमावस्या पर आप अपने नाराज पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं, जिसका उपाय मैंने आपको बताया है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस दिन एक विशेष काम आप जरूर कर लीजिएगा। चींटियों को आटे में गुड़ मिलाकर, कुछ मीठा मिलाकर उस दिन जरूर खिलाइएगा। मछलियों को कोई आटे का कुछ ऐसा, कोई भी, जैसे कई लोग ब्रेड खिला देते हैं, कुछ भी अन्य इत्यादि खिलाते हैं, उनको अवश्य खिलाइएगा। इससे आपके पूर्वज प्रसन्न होकर आप पर कृपा बरसाते हैं और आपकी सभी प्रकार की कष्टों से मुक्ति आपको दिला देते हैं आपके पितर। तो मेरा आग्रह है, सोमवती अमावस्या बहुत श्रेष्ठ समय आपके लिए लेके आ रही है। तो ये 13 नवंबर को है, आप सभी 13 नवंबर को कार्तिक मास की सोमवती अमावस्या में ये शुभ कार्य कर लीजिएगा, जिससे आपके जीवन की तमाम जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती से प्रार्थना भी कीजिएगा। आप सबके लिए शुभ हो, आप सबका धन्यवाद, राधे राधे।